मंडल स्तरीय साइंस लैंग्वेज ब्रेल रीडिंग एवं राइटिंग विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक अतिथि गृह में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के अलावा ईडी बेसिक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी, बीएससी बीएन सिंह सहित मंडल के अन्य जनपदों के बीएससी और विशेष शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सभी शिक्षक भाग्यशाली हैं कि उन्हें दिव्यांग जन को पढ़ाने को मिला है। उन्हें पढ़ाने के लिए हमारे अंदर संवेदना होना चाहिए और हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारी यह भूमि संवेदना से भरी हुई है। बाबा गोरक्षनाथ, महान सूफी संत कबीर व महात्मा बुद्ध ने यही की जमीन से अपना आशीर्वचन दिया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर का यह ट्रेनिंग मुख्य रूप से संवेदना पर है। हमारे स्पेशल एजुकेटर को पहले अपनी संवेदना को जगाना होगा तथा सकारात्मक रहना होगा, क्योंकि आपको परमात्मा ने इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। आप सभी हमारे इन सभी बच्चों को शिक्षित कर उन्हें मुख्य धारा से लाकर स्वावलंबी बनाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडी बेसिक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि आप सभी तो इस शिविर के माध्यम से बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे आपके अंदर अंतर्निहित कौशलों का विकास होगा तथा आप अपने शिक्षण प्रशिक्षण में अग्रणी होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, स्वागत की कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम की टीम। इसी क्रम में रिस्पेक्टेड एडी कलिका के साथ स्वागत करें एवं सभागार एजुकेटर्स की यह टीम में यह स्पेशल आचरण करें। जितेंद्र कुशवाहा सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन। आपके निर्देश से कम्पोजिट पुनर्वास तीन दिवसीय है। यहाँ सभी स्पेशल एजुकेटर्स को प्रशिक्षण के अलावा इन्हें आपस में भी विचार विमर्श करने का, आपस में अपने अनुभव को साझा करने का, इस तरह से एक साथ शायद पहली बार अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि को समस्त हमारे बड़े जीवन में आरोग्य आयुष्य सहगामी हो, आशीष मिले संपूर्ण विश्व से, शिक्षकों पर, स्पेशल एजुकेटर्स पर, जनपद गोरखपुर। ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब हम दिव्यांग जन की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है संवेदना। और विभिन्न अवसरों पर मैंने संवेदना के बारे में बात की है, और मुझे नहीं लगता कि भारत का और प्रदेश का कोई और अंचल है जहां पर संवेदना, जिसकी भूमि और धरा इन महापुरुषों से सिंचित हो, उनके नृत्यों से सिंचित हो, उससे बड़ी मंडल की भूमि हो नहीं सकती। यहां पर कबीर, बुद्ध, गुरु गोरक्षनाथ, इन महान पुरुषों और महावीर जैन, इन महापुरुषों की ये धरती रही है। और आपको पता है, यदि मैं सबसे पहले गौतम बुद्ध से स्टार्ट करूं, यदि हम टाइम पीरियड इसी के हिसाब से जाते हैं, तो आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर मैं किसी कारण से कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, और उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा, दूसरे दिन उन्होंने बीमार पुरुष को देखा, और तीसरे दिन उन्होंने मृतक को देखा, एक डेड बॉडी को देखा। और इन तीन अनुभवों के बाद वो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। ये हमारे लिए एक मिनट पॉज लेके रुक के सोचने का प्रतिक्षण होना चाहिए कि हम भी रोज ऐसे लोगों को देखते हैं और फिर भी हमारी संवेदना नहीं करती। तो कहीं ना कहीं प्रश्न दृष्टिकोण का है,
प्रश्न दृष्टि का है, प्रश्न पर्सपेक्टिव का है। और इसी में मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहूंगा, आइजक न्यूटन का आपने नाम सुना होगा, उनका भी उदाहरण मैं कई जगह देता हूं कि पेड़ से फल, सेब के पेड़ से सेब जो है कई जगह गिरता है और कई शताब्दियों से दशकों से गिरता आ रहा है। लेकिन ये न्यूटन ही थे जिन्होंने जब पेड़ से गिरता हुआ फल देखा और उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, उसका उसको बना। तो सबसे पहले वो लोग जो दिव्यांगजन को उनकी शिक्षा से जुड़े हैं, उनको अपनी संवेदना को जगाना पड़ेगा। आप में भी उतनी ही संवेदना है जितनी सिद्धार्थ में थी, जितनी न्यूटन में थी, या जितनी मुझ में है, या जितनी और लोगों में। दिव्यांगजन और ऐसे स्टूडेंट्स की हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है वो एक कार्य है जिसके लिए परमात्मा ने आपको चुना। हर किसी को हर कार्य के लिए परमात्मा ने इस कार्य के लिए चुना। बहुत बार आपके मन में ये बात आती होगी कि मेरी सैलरी इतनी कम है, डीए कम मिलना है, ये हो गया, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, सरकार ये नहीं देती है। सरकार आपकी, शासन आपका है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो आम आदमी से टैक्स देते हैं, उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम विभिन्न योजनाओं में, आपकी सैलरीज में, पेंशन में और विभिन्न मदों में। और जैसे हमारे परिवार में जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं और दो चीज़ें कम हो जाती हैं तो हम खुद जाके खड़े हो जाते हैं। कोई विवाह का प्रोग्राम हो, कोई जन्मदिन का प्रोग्राम हो, कोई शुभ अवसर हो, और उसमें दो चीज़ें कम हो जाने पर हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि बाहर के अतिथि के सामने हमारे परिवार की जो रिस्पेक्ट है, जो इमेज है, वो खराब ना हो। वैसे ही सरकारी कार्य है, सिर्फ दृष्टि का डिफरेंस है, दृष्टिकोण का डिफरेंस है। और जिस दिन हर एक नागरिक ये दृष्टिकोण रख लेगा कि ये सरकार कार्य, जो भी कार्य मुझे दिया गया है, परमात्मा ने इसको इसके लिए मुझे चुना है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दिव्यांगजन को पढ़ाने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस राष्ट्र का ही एक पृथ्वी का सबसे अच्छा एक अंचल बनेगा, और ये लक्ष्य के साथ हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना है। मेरा कर्तव्य कुछ और है, मैं उसका पालन करूं, आपका कर्तव्य वो है जो उसके लिए आपको चुना गया। इसलिए मैं पहली चीज संवेदना के साथ दूसरी चीज कहना चाहूंगा, जो भी कार्य आपको चुना गया है, ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, इसमें प्रकृति की, परमात्मा की कोई इच्छा है। और इसलिए दूसरा बिंदु जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने कर्तव्य के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तीसरी चीज जो मुझे लगता है दिव्यांग शिक्षण में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है धैर्य, क्योंकि दिव्यांगजन है। और याद रखिएगा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि दिव्यांगजन किसी और के घर में ही हो सकता है, हमारे घर में नहीं हो सकता। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, ये मत सोचिएगा कि दिव्यांगजन किसी और के घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं हो सकता। वो बच्चा भी हमारा ही बच्चा है। अगेन दृष्टि की बात है, अगेन दृष्टिकोण की बात है। और मैं आह्वान करूंगा आप सभी को, जब आप यहाँ पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण के बाद जाएं, तो उस दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करें, उस सकारात्मक दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करें, जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर करते रहते हैं। और इसलिए वो धैर्य के साथ आपको दिव्यांगजन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, और उसको राज्य की, राष्ट्र की मुख्य धारा का मुख्य अंग बनाना। तो ये एक तीसरी बात है। और चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा, सीआरसी के लोग यदि यहाँ पर हों, बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, और उसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है दिव्यांगजन को प्रशिक्षित करना, उसको मुख्य धारा में लाना और उसको स्वावलंबित करना। तो तीसरी स्टेज है, शिक्षित करना, मुख्य धारा में लाना और स्वावलंबित करना। और इसमें मुझे लगता है राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग और सीआरसी केंद्र सरकार की तरफ से हमारे बीच में एक एमओयू होना चाहिए, एक साझा होना चाहिए, एक कोई सुखी उपाय होनी चाहिए गोरखपुर मंडल के लिए, जिसमें ये लोग हमें कैसे सहयोग ट्रेनिंग में कर सकते हैं। अभी इनकी मैन पावर कम होगी, लेकिन इनका बहुत नाम है, उनके पास बहुत
पूरे देश का अनुभव है, सशक्त और बहुत ही समृद्ध अनुभव है और उसका प्रयोग हमें अपने मंडल में करना चाहिए। तो मैं एडी बेसिक साहब और डीएसए गोरखपुर से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों से बात करते हुए कैसे एक हम एमओयू कर सकते हैं जिसका लाभ हम चारों जनपदों के दिव्यांगजन को दे सकें। और लास्ट एक बिंदु जो मुझे लगता है सीआरसी से मैं कहना चाहूँगा, आपके डायरेक्टर साहब से बात भी पांडे जी से हुई और उसमें भी एडी बेसिक और डीएसए गोरखपुर को काम करने की जरूरत है कि आज हम 2021 में हैं। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले एसएससी मुझे लगता है अर्ली 2000 में आया होगा, 2003-04 के करीब आया होगा वित्तीय वर्ष जब पहली बार हम लोगों ने उसका अलॉटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से पाया था। और आज करीब 17-18 साल हो गए और इस 18 साल में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने और इस अंचल ने आईटी में बहुत प्रगति की है। आपको पता है टॉप यदि वर्ल्ड की आप टॉप 5 कंपनीज आईटी की निकालें उसमें 4 इंडिया की। और अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें सीआरसी और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन मिलकर आईटी को यूज करें। क्यों नहीं हम अपने हर एक बच्चे को जो दिव्यांगजन है उसको हम एक आईडी दें और हम ट्रैक करें उसके जन्म से लेके उसके स्वावलंबित होने। विभिन्न एजेंसीज काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग का अपना दायित्व है, बेसिक शिक्षा विभाग का अपना दायित्व है, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का अपना दायित्व है, एमएसएमई सेक्टर का अपना दायित्व है, विभिन्न विभागों का अपना दायित्व है और उसमें सीआरसी हैंड होल्डिंग का कार्य कर सकती है। बच्चे के जन्म होते ही यदि हम उसको एक आईडी दें और उस आईडी से हम ट्रैक करें कि क्या उसको जो जो चीज़ें विभिन्न विभागों द्वारा दी जानी चाहिए थी वो दी जा चुकी है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रयास होगा जिसमें हम उन बच्चों को बीच में ना छोड़ते हुए मुख्य धारा में लाते हुए स्वावलंबित करते हुए सम्मान से जीने के लिए और उन्हें भी सशक्त राष्ट्र और सशक्त राज्य निर्माण करने के लिए साधन बना पाएंगे। इस आशा के साथ और इस आशा के साथ कि ये 3 दिवसीय प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप सही माने में यूज करेंगे और अपने कर्तव्य निर्वाह परमात्मा के प्रसाद के स्वरूप में लेते हुए अपने निर्वाह को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप जहाँ भी हैं आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, एडी बेसिक और डीएसए गोरखपुर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया और मुझे बुलाया और आपसे 2 शब्द कहने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, ये समाज का दायित्व है और हमारा भी दायित्व है कि हम उनको बेसिक शिक्षा के माध्यम से उनको सबल बनाने का प्रयास करें और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाते हुए स्वावलंबित करें। और स्वावलंबन से पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनको शिक्षित करना है और सही मायने में शिक्षित करना है। और ये जो एटीट्यूड बेचारेपन का है उसको छोड़ना है, वो भी उतने ही सशक्त हैं जितने हम सशक्त हैं। और इस प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के द्वारा जो दिव्यांग जन को शिक्षित करने से जुड़े हुए 150 से 160 अध्यापक हैं, हम उनको यही एक संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांग जन को हम शिक्षित करेंगे, हम स्वावलंबित करेंगे और उनको सशक्त राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे।